गाइस इंटरनेट में मैंने बहुत वीडियो देखी कि उसके अंदर सेट्स के बीच में कितना रेस्ट होना चाहिए। उन्होंने यार एक ओवरऑल नंबर बता दिया, कोई भी वीडियो में एक्यूरेट नंबर नहीं बताया। गाइस इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि हर सेट के बीच में कितना रेस्ट होगा, ठीक है। तो गाइस नमस्कार यारो, मेरा नाम प्रताप एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच टाइम या हाउ मच टाइम इंटरवल यू शुड गिव बिटवीन सेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, बिकॉज ऐसे साइंटिफिक वीडियो के लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा और वीडियो बनाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक चीज़ आपको समझो गाइस, दो फेजेस होते हैं अब जो बंदे जिम में एंट्री मारते हैं, या तो उनको मसल ग्रो करना है या तो उनको स्ट्रेंथ गेन करनी है। दोनों का कॉम्बिनेशन भी कोई कोई चाहते हैं, शुरुआत में दोनों एक साथ होगा, लेकिन गाइस जितना आप एडवांस होते जाओगे दो गोल में आप डिवाइड होते जाओगे, या आप ज़्यादा मसल गेन कर सकते हो या आप स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हो। अब उसको कहते हैं जिनको ज़्यादा मसल गेन करना है वो जाते हैं हाइपरट्रॉफिक फेज में, और जिनको ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करना होता है वो स्ट्रेंथ फेज में चले जाते हैं। हाइपरट्रॉफिक फेज के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर आप मोर मसल गेन करोगे एंड लेस स्ट्रेंथ गेन होगी। जो स्ट्रेंथ फेज में होंगे उनका मोर स्ट्रेंथ गेन होगी एंड लेस अमाउंट ऑफ मसल गेन होगा। तो आप ये समझ गए दो फेजेस होते हैं। अगर आपका मेन गोल है मसल गेन करना या आप हाइपरट्रॉफिक फेज में हो तो आपको कितना रेस्ट लेना है गाइस, 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट, मिनिमम टू मिनिमम 30 सेकंड। अगर आप स्ट्रेंथ फेज में हो आपको मैक्सिमम टाइम अमाउंट ऑफ रेस्ट चाहिए होगा, डेट इज 3 मिनट एंड मैक्सिमम टू 15 मिनट्स। तो अगर आपको अब साइंस जानिए क्यों 30 सेकंड है, क्यों 3 मिनट है स्ट्रेंथ में, तो गाइज अब वीडियो को अच्छी तरह देखना, बिकॉज अब मैं साइंस बताऊंगा। और क्योंकि इंटरनेट में और वीडियोज़ तो मैंने देखी नहीं कि वो साइंस में जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप समझ जाओ। तो गाइस सबसे पहले समझो कि हमारे बॉडी में दो सिस्टम काम करते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं, बाकी भी सिस्टम काम करते हैं लेकिन एनर्जी के लिए दो सिस्टम काम करते हैं, दैट इज एटीपी फॉस्फोरेट साइकिल सिस्टम एंड दूसरा हमारा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी फॉस्फोरेट साइकिल आपको समझ आ गया, आपके क्रिएटिन सप्लीमेंट या आप जो खाने से क्रिएटिन लेते हो उससे काम कर रहा है। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम आपके कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, जो भी आपके ग्लाइकोजन स्टोर होगा या आप एक्सरसाइज के बीच में थोड़े बहुत BCAA ये सब ले रहे हैं वो आपको एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स, और वो आपको ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में काम कर जाएगा। तो आप समझ गए दो सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू फ्लैक 1983 रिसर्च, ठीक है, आपका ATP साइकिल 3 मिनट्स में रिप्लेनिश होता है। अब गाइज आपको अगर ये रिसर्च अच्छी तरह पढ़नी है तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर उसको अच्छी तरह पढ़ सकते हो। लेकिन इस रिसर्च में ये देखा गया कि विद इन 3 मिनट्स आपका क्रिएटिन या ATP साइकिल आपका रिप्लेनिश होता है 3 मिनट्स में, और 3 मिनट्स में जो भी बंदे परफॉर्म कर रहे थे उनकी स्ट्रेंथ गेन हुई, ठीक है। अब इसी रिसर्च में क्या देखा गया कि ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम रिप्लेनिश हुआ विद इन 30 to 2 मिनट्स, जो भी बंदे 30 to 2 मिनट्स में एक्सरसाइज कर रहे थे उनका स्ट्रेंथ गेन नहीं हुआ बल्कि उनके मसल गेन ज़्यादा हुआ। तो तभी ये दे दिया गया कि रूल की 30 से लेकर 2 मिनट फॉर मसल गेन, 3 मिनट्स टू 15 मिनट्स फॉर स्ट्रेंथ गेन। तभी आप देखते होंगे जो बॉडी बिल्डर होते हैं हमेशा पंप करते रहते हैं, ज़्यादा रेपिटेशन मारते हैं। गाइस उसका भी पीछे साइंस है, जितना आप पंप करोगे उतना ब्लड फ्लो आपके मसल में जाएगा, उतना न्यूट्रिएंट्स ये कैरी करेगा विच विल हेल्प यू फॉर मसल गेन। स्ट्रेंथ भी आपको हेल्प करती है गाइस, इंटर रिलेटेड है, तभी मैं आपको बोलता हूँ आपको कॉम्बिनेशन रखना चाहिए अपने प्रोग्राम में, ठीक है। पावर बिल्डिंग आपको फॉलो करनी चाहिए, थोड़ा स्ट्रेंथ गेन थोड़ा मसल गेन, और जब आप कॉम्पिटिशन या जब भी आपको वन रेप मैक्स के पास जा रहे हो तब आपको फोकस मोर स्ट्रेंथ पे करना चाहिए। तो इस रिसर्च एक और रिसर्च के बारे में बात करते हो, ये 2009 की रिसर्च है, इसके अंदर क्या देखा कि जो बंदे 3 से लेकर 5 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं बिटवीन सेट उनका स्क्वैट इंक्रीज हुआ, ठीक है, अबाउट 9% उनका स्क्वैट इंक्रीज हुआ। और जो बंदे 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट का रेस्ट ले रहे थे उनका स्क्वैट ओनली 2% इंक्रीज हुआ। तो गाइज इन कंक्लूजन अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको मोर अमाउंट ऑफ टाइम देना होगा, रेस्ट देना होगा बिटवीन सेट, और अगर आपको मोर मसल गेन चाहिए आपको लेस अमाउंट ऑफ टाइम देना होगा बिटवीन सेट्स। अगर आपका गोल है बोथ स्ट्रेंथ गेन एंड हाइपरट्रॉफिक गेन्स, ठीक है, तो अब आप समझो कि आपको कितना मिनट चाहिए होगा हर एक्सरसाइज के लिए। अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइज कर रहे हो लाइक बाइसेप कर्ल जिसमें एक जॉइंट इन्वॉल्व है, उनको कहते हैं आइसोलेशन एक्सरसाइज, उसमें कितना रेस्ट टाइम होगा, उसके अंदर चाहिए होगा आपको 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आपको रेस्ट टाइम चाहिए होगा। तो उसके अंदर आप 60 to 90% ऑफ वन रेप मैक्स 60% में रहोगे तो आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट, और अगर आप 90 के पास जा रहे हो इन परफॉर्मिंग आइसोलेशन एक्सरसाइज तब आपको 2 मिनट मैक्स चाहिए होगा। तो अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइज कर रहे हो 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आपको रेस्ट चाहिए होगा। अब गाइस कंपाउंड एक्सरसाइज की बात करते हैं।
यू आर डूइंग बेंच प्रेस, ठीक है, उसके अंदर भी मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए. इफ़ यू आर डूइंग स्क्वाट्स, उसके अंदर भी मल्टीपल जॉइंट्स हो गए इन्वॉल्व. आप डेडलिफ्ट, ये सारे कंपाउंड एक्सरसाइज जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. अब गाइस इसमें समझो कितने मिनट आपको रेस्ट चाहिए होगा. अगर आप 70% के पास हो, मतलब अगर आपका वन रेप मैक्स है 100, अगर आप 70 किलो की कोई भी स्क्वाट डेडलिफ्ट मार रहे हो, तो आपको तब चाहिए होगा रेस्ट टाइम अबाउट 3 मिनट्स, ठीक है. अब आप 70 के ऊपर जा रहे हो, लाइक 70-90% के पास जा रहे हो, तब आपको रेस्ट टाइम चाहिए होगा, रेस्ट टाइम चाहिए होगा 3-5 मिनट्स का रेस्ट चाहिए होगा बिटवीन सेट. और आप जब अपना वन रेप मैक्स ट्राई कर रहे हो गाइस, तब आपको रेस्ट टाइम चाहिए होगा 10-15 मिनट्स. बिकॉज उस टाइम आप सबसे पहले आपने कार्ब्स भी, आप मतलब कोई ड्रिंक ले लोगे, तब आपके ग्लाइकोलाइटिक साइकिल भी पूरा रिप्लेनिश हो जाएगा और आपका एटीपी साइकिल भी पूरा रिप्लेनिश हो जाएगा, तब आप अपना परफॉर्म करना वन रेप मैक्स. तो गाइस स्ट्रेंथ में यार थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ता है, लेकिन हाइपरट्रॉफी या जिनको मसल गेन करना उनका इतना दिमाग नहीं है, 30 सेकंड से 2 मिनट. और अगर आप स्ट्रेंथ में जा रहे हो, आपको बता दिया कितने परसेंटेज में आपको कितना रेस्ट चाहिए होगा. तो गाइस होपफुली यू लाइक दिस वीडियो. आपको अगर भी अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट्स में बता देना. एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो. कीप मेकिंग गेम्स एंड मेक बॉडी वन सिंपल. पीस ओवर एंड आउट.